जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उपकार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे 10 दिसंबर को एसएससी जीडी का जो रोजगार विदन के चैनल पे आप लोगों का टेस्ट हुआ था, उसी में 20 क्वेश्चन है मैथ के, जो कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 260,000 रुपये की धनराशि पर अर्जित 12% ब्याज का उपयोग स्कूल में हर वर्ष समान मूल्य की 24 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किया जाना है। प्रत्येक छात्रवृत्ति का मूल्य रुपए में कितना है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ कह रहा है 260,000, 260,000 कह रहा है और कितना 12%। तो यहाँ देखेंगे 12% की मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे 12 से और एक वर्ष के लिए। यहां देखेंगे यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज के लिए 100 होता है तो परसेंटेज के लिए 100 होता है, लेकिन कह रहा है कितने लोगों में बांटना है, 24 लोगों में बांटना है। तो आप क्या करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा और यहां 12 के 12, 12 दूना 24, 26 कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में 2 जीरो लगा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 1300 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह कार्य शुरू करता है, 4 दिन बाद भी उसे के साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिनों में पूरा होता है। अकेले भी उसी कार्य के एक तिहाई भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, मान लेंगे एक किसी कार्य को 1 दिन में करता है, ए 30 काम है कह रहा है तो 30 दिन में कर रहा होगा। तो यहाँ देखेंगे कि इसका तात्पर्य है एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा, एक कार्य अब कह रहा है तो ये कार्य कुल कितना हो गया, 30। यहाँ देखेंगे कि कह रहा 4 दिन में करता है तो एक दिन में एक कार्य कर रहा होगा तो कितना कार्य कर लेगा, 4। और आप देखेंगे यहाँ से कि यहाँ 30 टोटल था, 30 में 4 हो गया तो बचा कितना, बोलेंगे 26 कार्य बचा है साथियों। ठीक है, 26 बचेगा और कह रहा टोटल जो दिन है कितने दिन तक करता है, 10 दिनों तक करता है। तो जब 10 दिनों तक कर रहा है, ये 4 दिन कर चुका है, बचे कितने दिन, 6 दिन। तो आप देखेंगे जो ए और बी मिलकर कर रहे हैं कार्य, 26 कार्य करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, काट देंगे 3 आएगा, यहाँ आएगा कितना, 13। तो यहाँ से आप देखेंगे ए प्लस बी का मान कितना आ गया, ए प्लस बी का जो मान आएगा 13/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ए का मान दिया हुआ है कितना, एक दिन का क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे प्लस बी बराबर 13/3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से ए का मान बी का मान कितना निकल आएगा, घटा देंगे 13 में से इसको, तो 13/3 - 1 सॉल्व करेंगे तो आएगा बी की क्षमता कितनी, 10/3 आ जाएगी। कह रहा है कुलकार का एक तिहाई, कुलकार 30 है, इसका एक तिहाई कितना हो गया, 10। तो 10 कार्य बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 10/3, काट देंगे तो पलट के ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 3, एक कक्षा में 26 लड़के और 24 लड़कियां हैं, गणित में शिक्षक ने एक परीक्षा ली और पाया कि पूरी कक्षा के औसत अंक 85 हैं, यदि लड़कों के औसत अंक 82 थे तो लड़कियों के औसत अंक क्या ज्ञात कीजिए क्या थे। तो आपको देखना है यहाँ कह रहा कितने, सबसे पहले लिखना क्या है, लिख लेना बॉय, लिखेंगे साथियों यहाँ पे बॉय और इधर लिख लेना गर्ल्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि कह रहा है इनका जो छब्बीस लड़के और 24 लड़कियां हैं, लड़के कितने हैं, 26
लड़कियां कितनी हैं? 24। और आपसे कह रहा है पूरी कक्षा के औसत अंक 85 हैं, लेकिन उसमें कह रहा है लड़कों के औसत तो कितने? 82 हैं। तो लड़कों के कितने? 82 हैं। पूरी कक्षा का कितना है? 85 है। लड़कियों का ज्ञात करना है, तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा 3। और यहाँ देखेंगे क्या आना चाहिए आपको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे 3 लाना है, तो 3 लाना है यहाँ पे, काट देंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा? 13 अनुपात बना लेंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पे आपको 3 लाना है, तो आप 4 से यहाँ भाग करें, जैसे ही 4 से भाग करें 3 आ जाएगा, वैसे ही 13 से भाग करना पड़ेगा। और 13 से भाग करते ही 3 दशमलव कितना आ जाएगा आपका? 2.5 आएगा। तो ये आ गया। अब इन दोनों का अंतर ही तो यहाँ लिखना होता है, और इन दोनों का अंतर आप देखेंगे तो जोड़ देंगे, जोड़ने पे आपको कितना आ जाएगा? बोलेंगे 88.25, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म हो जाता है या खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से और प्लेटफार्म के आखिरी छोर से बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ से मान लेंगे कोई पुल है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी कह रहा है? जो है लंबा कोई पुल है कितना? 1.2 किलोमीटर का मतलब कितना? 1200 मीटर का है। उसके आगे कह रहा है 400 मीटर क्या है? स्टेशन का है, कह रहा ना किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म, तो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक का स्टेशन 400 मीटर का हो जाएगा लंबा। उसके बाद साथ ही कुछ क्या होगा? ट्रेन की भी लंबाई होगी, कह रहा ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे कुल लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी? 1200, 400, 800, कितना हो जाएगा टोटल? 1800। आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? 1200, 400 और 200 हो जाएगी कितना? 1800। और बटे क्या होता है? चाल। चाल कितनी आपको दिया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आपको करना क्या है? मीटर पर सेकंड बनाना है। मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5/18 से गुणा कर देंगे और काटेंगे 18 चौक 72 और यहाँ 5 चौके 20, काट देंगे इसको 5 चौके 20, तो जी यहाँ हो जाएगा 20। तो आप लिखेंगे 1800 बटे कितना 20, 0 0 काट देंगे और यहाँ काटेंगे कितना आ जाएगा? 9। तो 90 क्या आ जाएगा? 90 मिनट आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 90 मिनट या यहाँ से 90 सेकंड साथियों आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड कर देते ना, 90 सेकंड आएगा। 90 सेकंड को हम लिख सकते हैं 1.5 मिनट भी कह सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1.5 मिनट, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्या हो जाएगा देखेंगे साथियों। 5 नंबर कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग फल से 60 कम है। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर 13,200 रुपये है तो सी की आय रुपये में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको करना क्या है? लिख लेना ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। उसके बाद क्या करना है? मान लेना इसमें कह रहा है ए के 45 में अधिक है बी से, तो बी की मान लेना 100, तो ई की कितनी हो जाएगी? अधिक है तो 100 का 45% 45 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 145। आगे कह रहा है और सी की आय ए कह रहा है अधिक है और सी की आय ए है और बी की आय के योगफल से 60 कम है,
बी के और इनके योगफल से कितना कम है, 60 कम है, तो आप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 98। आगे देखेंगे, निकाल लेना साथियों। और कह रहा है आगे, डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। जब डी सी की आय कितनी है, 98 है, तो 98 में आप इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, या डायरेक्ट 120% निकाल देना। 98 का 120% निकालेंगे तो आएगा 17.6, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। तो कह रहा है यदि बी और डी की आय के बीच अंतर, किसके किसकी, बी और डी के बीच के आय का अंतर कितना कह रहा है आपसे, कह रहा है अंतर, तो आपने जब अंतर इनके बीच का निकालेंगे कितना आएगा, 17 कितना आएगा, 6, यही तो आएगा 17.6। और जो क्वेश्चन कह रहा है कितना है, 1320 है, तो यहां से आप काट लेना। और जैसे ही काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1320/17 कितना हो जाएगा, 6। और चाहिए किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सी का, तो हो जाएगा 98। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1500 × कितना हो जाएगा, 49। आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, 73,500, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, इसमें कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, छह नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है छह अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाज्य है। तो इसे साथियों क्या करेंगे, कह रहा है 6 अंक की, तो आप क्या करेंगे, जितने अंक की कहता है उससे एक कम जीरो ले लेते हैं, तो 5 जीरो ले लेंगे। यहाँ पे भाग किससे करना है आपको, 108 से। और जब 108 से भाग करेंगे 9 बार ले जाएंगे तो कितना आएगा, 972, 972 आएगा। और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, यहाँ कितना बचेगा, 2, आगे कुछ नहीं, 0 उतार लेंगे, 280 हो जाएगा। और 2 बार में फिर 108 लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × गुणा कर देंगे 108 से, सॉरी यहाँ 108 होगा ना साथियों, 108 से भाग करना, तो यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, 216। अब घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, यहाँ से 10 में 6 जाएगा 4, और बचेगा कितना, 7, 7 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर 0 उतारेंगे। और यहाँ फिर कितने बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे, 8×5 = 40 हो जाएगा, 5×5 हो जाएगा, यहाँ लेकिन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1। तो आप देखेंगे साथियों 108 में और 100 में अंतर कितने का है, बोलेंगे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है, यही 8 यदि हम जोड़ दें संख्या वही हो जाएगी। तो हमने देखा था क्या था वो, यहाँ देखेंगे इसमें 8 जोड़ देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 1,08,000 हो जाएगा, ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 1,08,000, जो कि यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात 4:3 हो जाता है, समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है। तो देखेंगे इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे लड़कियां या बॉय, पहले लिख लेंगे बॉय और फिर गर्ल्स, ये दिया है आपको 7 और कितना, 7:8, 7:6। सबसे पहले हम इनके साथ यक्ष लगा लेते हैं तो संख्याएं बन जाती हैं, ये अनुपात हट जाता है। कह रहा आप इसमें से क्या कह रहा आपसे, यदि 4 लड़के उसमें समूह में शामिल कर लिए जाते, लड़के कितना है, 7x/6x कर देंगे, लड़के शामिल किए जा रहे हैं 4, जोड़ देंगे इसका मतलब, लड़कियां क्या कर रही हैं, हटाए जा रहे हैं, तो इसका क्या कहते हैं, अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, इनका गुणा इनके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो जैसे ही करेंगे 7×3 = 21 हो जाएगा, 4×3 = 12 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे 4×6 = 24 हो जाएगा,
और माइनस का 12 हो जाएगा। आप देख पाएंगे 4×3 = 24 यक्स होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 24 यक्स माइनस क्या हो जाएगा इधर आएगा तो 21 यक्स हो जाएगा, और ये 12 पहले से था ये माइनस का 12 इधर आएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 यक्स, काट देंगे तो कितना आएगा 8 बराबर यक्स, तो यक्स का मान 8 आ गया। पूछ क्या रहा है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी, तो लड़के और लड़कियां यहाँ जोड़ देंगे बच्चे अनुपात कितना 7 और 6 कितना होता है 13, 7×6 = 13 यक्स, और 13 यक्स का मान कितना है 8, 13×8 कितना होता है तो बोलेंगे 104, तो 104 क्या हो जाएगा 13×8 यहाँ से देखेंगे कितना हो जाएगा 13×8 = 104 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है, हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा क्या होना चाहिए, तो आप देखेंगे मान लेते हैं ये नंबर कौन सा बच्चा 8 नंबर, मान लेंगे 100 रुपया रहेगी, कह रहा है कितने की 28 की हानि हो जाती है, अगर 28 की हानि होती तो कितना हो जाएगी 72 और ये कह रहा है 72 नहीं कितने 144 कह रहा है, तो यहाँ 144 कह रहा है आपसे, कितने गुना है 144 तो बोलेंगे 72 के कितने गुना है ये तो बोलेंगे 2 गुना है वैसे, और आपसे कह रहा है यदि यही हानि कितनी होनी चाहिए कम करना चाह रहा है तो कितने की कह रहा है 14% तक लाने के लिए, और 14 लाएगा तो 100 में 14 घटाएंगे कितना हो जाएगा 86, तो यहाँ देखेंगे जैसे ये 2 गुना करने पे आ रहा था 44 वैसे ये क्या हो जाएगा 86 का भी 2 गुना कर देंगे, और जैसे ही 86 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 172, और यही 172 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 172 क्या हो जाएगा आंसर, तो आप देख पाएंगे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसका मान बताना है आपको, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 5/2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3/2 ये भाग है तो यहाँ आ जाएगा, और फिर गुणा कह रहा है 1/2 कितना 2, तो यहाँ देखेंगे आप कितना हो जाएगा कुछ कटने वाला है बोलो, तो नहीं कटेगा यहाँ से कुछ ये कट जाएगा 3 से काट देंगे इसको कितना आएगा 2, तो यहाँ देखेंगे माइनस का कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 2×2 = 4×8 1/2 क्या हो जाएगा 8, यहाँ आपको करना क्या है हर को समान करना होता है तो 4 से गुणा यहाँ तो 4 से यहाँ भी करेंगे, अंश और हर में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसमें नहीं होता है, तो यहाँ देखेंगे 8 ये भी 8 ये भी तो लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 5×20/8 और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ देखेंगे जुड़ेगा इसमें तो क्या हो जाएगा माइनस का 19/2 कितना हो जाएगा 8, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, दस नंबर क्या कह रहा है, दस नंबर है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है, तो यहाँ आप देखेंगे वास्तविक चाल वास्तविक और क्या हो जाएगा वर्तमान, उसकी स्पीड हो जाएगी वास्तविक वास्तविक और वर्तमान, तो यहाँ आप देखेंगे वास्तविक कह रहा कितना है 5, ठीक है वास्तविक 5 है तो कितनी घटके हो जाती है 3 हो जाती हैं, तो हम जानते हैं इनको पलट देते हैं चाल को तो क्या बन जाता है समय का बन जाता है, और समय बन जाएगा तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे 2 का अंतर, क्वेश्चन कितने कह रहा है क्वेश्चन आपसे 20 मिनट कह रहा है तो कितने गुना है ये तो 10 गुना है, तो आपसे पूछ रहा था क्या आपसे पूछ रहा है कार्यालय
पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है? सामान्य पूछ रहा है इसलिए क्या करेंगे, सामान्य में इसको 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करते ही कितना बन जाएंगे, 30, जो कि आपका आंसर यही हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, देखेंगे। 11 नंबर है, एक निश्चित धनराशि का 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देने वाली किसी योजना में निवेश किया गया। आरंभिक 2 वर्षों के दौरान योजना में क्रमशः 80% और 60% की वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन तीसरे वर्ष इसमें 40% की गिरावट आ गई। 3 वर्षों के लिए समग्र ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको ब्याज दर बताना है, तो देखेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, आप जानते होंगे पहले करा 80%, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या होती है, 80% की क्या होती है, 80 बटे क्या हो जाएगा, 100 काट देंगे, 2 से काटेंगे 4 और 2 से काटेंगे कितना, 5, तो कहेंगे 4 बटे कितना होती है, 5 होती है। यहीं पे देख लेंगे 60% क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 60 की होती है, काट देंगे कितना आएगा, 3 और 5, तो बोलेंगे 3/5 होती है। यहीं पर देखेंगे 40% की क्या होती है, 40% की होती है 2/5, ठीक है, सभी की निकल आई। अब पहले कह रहा 60-80% की वृद्धि होती है, तो आप बताएंगे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 5 5 रुपए थे, 5 में 4 की वृद्धि कितने हो गए, 9 हो गए। यहाँ देखेंगे दोबारा से 5, यहाँ कह रहा 40% क्या होती है, 60% की वृद्धि होती है, तो 5 अंश हर होता है, मेन मूल क्या होता है, अंश होता है, हर होता है, और अंश में जो वृद्धि कहेगा या कमी कहेगा उसी को दर्शाता है। तो 5 थे 3 की वृद्धि बता रहा है, तो कितना हो गया, 5 3 8। अब यहाँ देखेंगे 5 था पहले, अब यहाँ अंश आपको क्या बता रहा, कह रहा कमी, तो अंश कमी को बताएगा, तो 3 की 2 की कमी हो गई, कितना बचेगा ये, तो बोलेंगे कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे 5 5 5 ये आपस में गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 125, और यहाँ देखेंगे 8 3 24 हो जाएगा, और 24 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 × 9 करेंगे 216 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे किसी का वर्ग बन रहा होगा, तो यहाँ किसका वर्ग है, ये 5 का है, और ये किसका है, 6 का, तो यहाँ देखेंगे इनसे हम निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ 3 वर्ष कह रहा था ना, इसलिए तो 5 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कितना बढ़ गया, बोलेंगे 1 बढ़ा है, और कहाँ से बढ़ा है, इस 5 से बढ़ा है, प्रतिशत के लिए क्या होता है, 100 होता है, 5 से काट देंगे, 5 × 10, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 20% बिल्कुल सही है। तो देख पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:13 है और उनका मासा 6 है, तो उनका लासा क्या होगा। तो ये तो लगभग लगभग सभी का लग गया होगा, यहाँ कह रहा है 9:13 है, तो सबसे पहले देखेंगे 9:13 कितना है, 13 है। एक बात आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, इनमें से यदि हम इन दोनों संख्याओं में एलसीएम से आपका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ मासा, उससे गुणा कर दिया जाए तो संख्याएं बन जाती हैं। तो 9 का गुणा किससे कर देंगे, एचसीएफ से जो कि 6 है, वैसे ही साथियों यहाँ 13 में भी क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, बन गई संख्याएं। अब क्या करना है, आपसे पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें क्या, एचसीएफ गुड़े एलसीएम, सॉरी पूछ रहा साथियों, एलसीएम, एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम देखेंगे तो 6 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ क्या है, 9 है, यहाँ क्या है, 6 है, तो 6 तो लिख चुके हैं, अब लिखेंगे 9, 9 लिख दिया, अब क्या बच रहा है, 13 13 लिख देंगे, इन सभी को गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, सभी को गुणा करते ही आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 702, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 12 नंबर क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, 13 नंबर है,
एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री 100% बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो यक्ष का मान ज्ञात करें। तो कीमत में कह रहा ना, तो मान लेंगे पी जो है कितना कह रहा है, इसमें कम हो जाती है। तो आप देखेंगे साथियों कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 5 था तो 1 कम हो गया, कितना हो गया 4। अब यहां देखेंगे वस्तु क्या निकलेगी, वस्तु वस्तु मतलब ए, ये क्या हो जाएगा, इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ वस्तु क्या हो जाएगा नहीं मालूम है आपको, तो वस्तुएं मान लें आप यक्स और वाई के उसमें होंगी। ये सब होने के बाद इनका कह रहा है अनुपात में क्या होता है, 25% वृद्धि हो जाती है। तो अभी निकाले थे कमी, अंश कमी को दर्शाता, अब यहाँ 5 था, कमी हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, 25% की वृद्धि हो जाती है। तो यहां देखेंगे आप तो यहां लिखेंगे 4 और यहां लिखेंगे 5। अब आप देखेंगे केवल गुणा करना रह जाएगा आपको, यहां पे आप गुणा करेंगे 5 और x का तो 5x, बटे यहां करेंगे 4y का तो 4y। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो बोलेंगे ये अनुपात आपका हो जाता है 4:5। गुणा कर देंगे 5 चौके कितना हो जाएगा, 20x = 16y। तो यहाँ से देखेंगे यक्स और वाई का जो मान निकल के आएगा 16/20, कितने का परिवर्तन हो गया, तो बोलेंगे यहाँ से कितने का परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, सॉरी ये 20 नहीं होगा, 25 होगा ना साथियों, 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ अंतर कितने का, 9 का, और कहाँ से हुआ अंतर, 16 से। तो 9 का अंतर कहाँ से हुआ, 16 से, परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ से आप काट देंगे इसको, 4 से 4 चौक 16, 25 चौके 100, और गुणा करेंगे काटेंगे तो यहाँ आएगा 56.25%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य से 25 कम है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले लिखना क्या साथियों, यदि आपसे कह रहा है 25% कम है तो आप जितना कम है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद 100 में से उसी को घटा के लिख दीजिएगा। तो 100 में आप 25 घटाएंगे कितना आएगा, 75%, के लिए क्या कर देना 100, 25 के 25, 25 × 75, यहाँ हो गया 100/3। 100/3 को आप काटेंगे 33.33% आएगा, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वो भी क्या लाभ। ठीक है साथियों, क्या होगा, लाभ होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर देखेंगे आप, 15 नंबर क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है, एक संख्या अपने 1/5 से 44 अधिक है तो वह संख्या क्या है। तो आप सिंपल सा देखेंगे यहाँ पे, संख्या को मान लेंगे यक्स, वो कह रहा अपने का, अपना संख्या यक्स है, उसका कितना 1/5 से कितना अधिक है, बोलेंगे 44 अधिक है, 44 अधिक है। तो यहाँ पे साथियों सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यक्स बराबर यक्स 1/5 प्लस कितना हो जाएगा 44, और यहाँ इधर आ जाएगा यक्स, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर कितना 44। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5x में यक्स घटाएंगे बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बराबर कितना 44, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4x/5 बराबर कितना 44, काट देंगे इसको तो क्या आएगा 11, यक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, बोलेंगे 11/55, कितना आ जाएगा 11/55 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर है, कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, प्रति किलोमीटर वह यदि 2 मिनट का विश्राम लेता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो आपसे समय पूछ रहा कितना लेगा, तो यहाँ देखेंगे 60 मिनट में कितना जाता है, 60 मिनट में जाता है आपका 10 किलोमीटर, तो आपसे कह रहा 5 किलोमीटर जाना है, तो इसका मतलब आधा समय लेगा 5 किलोमीटर जाने में, तो 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, आधा किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा,
30 मिनट में चला जाएगा 5 किलोमीटर। अगर को वो ना रुकता तो आराम से चला जाता ना इतना, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक में जाने में कितना कह रहा है 5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेगा, तो विश्राम भी करता है। तो ये विश्राम करने वाला क्या हो जाएगा, समय जो हो गया आपका यहाँ 2 मिनट का विश्राम लेता है प्रति किलोमीटर में। तो 5 किलोमीटर जाना है आपको प्रत्येक वक्त, तो देखो जब 5 किलोमीटर जाए 4 बार रुकेगा, पांचवें बार भाई अपने खुद पहुंच जाएगा गंतव्य में, तो 4 बार रुकेगा। एक बार में कितना रुकता है, दो, तो 4 बार में कितना हो जाएगा, आठ, 8 मिनट और ले लेगा। तो बताएंगे 30 पहले ले रहा था और कितना ले लेगा, 8 और ले लेगा, तो टोटल कितने मिनट हो गए, 38 मिनट क्या हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा ए और बी कितना करते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो कह रहा बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी अकेले करता है कितना, 60 दिनों में। सर्वप्रथम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, तो 60 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60, 20 से देखेंगे भाग करेंगे इसमें 60 को, तो कितना 3 बार जाएगा, और 60 को तो 1 बार में जाएगा। जब यहाँ पे देखेंगे ए और बी की क्षमता कितनी निकल गई, 3, अकेले बी की कितना है, अकेले यहाँ से कह रहा है कि ए, बी नहीं, यहाँ कह रहा है ए, तो ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, एक, एक में क्या जोड़ दिया जाए इसमें कि 3 हो जाए, तो बोलेंगे 2 जोड़ दे, तो बी की क्षमता कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 2। अब आपसे कह रहा है तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरा कार्य कितना है 60, और बी की क्षमता कितने आप निकालें, 2, भाग करेंगे कितना आएगा 30, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 30, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अट्ठारह नंबर है आपका, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, सबसे छोटा देख रहा है, तो आप देखेंगे अनुपात में लिखा है तो 3/4, अगला लिखा है 1/2, अगला लिखा है कितना 2/5, अगला लिखा है कितना 1/3। तो यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक जीरो लगा लेंगे, जैसे ही बात करेंगे 4 से 28 लगभग 7 बार जाएगा, 7 बार कुछ जाएगा, 2 से करें तो 5 10, यहाँ 5 चौके 20, यहाँ 3 3 9, 3.3 जाएगा। तो सबसे छोटा पूछ रहा तो 3.3 होगा, और जो किसका मान दिया है 1/3 का, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 1/3, मतलब 1:3 सही हो जाएगा, जो कि कहाँ दिया हुआ है, डी ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन। अब देखेंगे 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो आप देखेंगे कभी भी इनका आयतन नहीं बदलेगा, चाहे जो चीज़ बना ली जाए, ठीक है साथियों, तो कोई चीज़ बना ली जाए लेकिन इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप इनके आयतन देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ इसका आयतन देखेंगे, एल बी एच होता है, और किसका कह रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है, तो यहां देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहां से ए आप निकाल लेना, सबसे पहले ए निकालेंगे तो आप कितना आएगा, यहां रख देना इनके मान 12 × 18 × कितना 27 = a³। तो यहां से ए हटेगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 12 × 18 × 27। तो ए जब निकल के आएगा यहाँ से देखेंगे तो कितना निकलेगा, तोड़ के लिख देना इनको पहले, तो दिखेगा आपको 3 × 12 होता है 3 × 2 × 2 कर सकते हैं, 18 जो होता है तो 2 × 9 × 2 = 18 होता है, और 9 को भी तोड़ देंगे कितना 3 × 3 में, 27 को आप 3 × 3 × 3 में तोड़ दें, ठीक है साथियों, बराबर ए हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 3 निकलेगा, 1 यहाँ हो गया लेकिन कमी है, तो इससे पूरा हो जाएगा, और इससे तो देखेंगे क्या निकलेगा 2, और 3 बार क्या हो जाएगा 3 3, 2 बार, एक ये 2 बार निकलेंगे, देखेंगे 3 × 9 × 2 = 18, तो ए का मान जो आएगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इतना हो गया। अब आगे देखेंगे, आप देखेंगे घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का और घन का, तो टोटल जो होता है टोटल सरफेस एरिया घन का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया अनुपात क्या हो जाएगा,
घन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये 2LbBh+HL होता है। अनुपात लगाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 6A² होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से कुछ कटने वाला होगा तो कट जाएगा, यहाँ 6 से देखेंगे 2-3 बार में काट देगा। अब यहाँ पे इनके मान केवल आपको रखना रहेगा, और जैसे ही मान रखेंगे 12 × 18 + 18 × 27 + 27 × 12 = 3A². तो इनको सभी को सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, कर लेना साथ ही, थोड़ा सा गुणा ही करना है केवल, 19:18 कितना हो जाएगा, 18। 19:18 हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 किलो सेंटीमीटर है, 352 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या होगा। ये तो बहुत सा आसान सा है, तो आप देखेंगे कह रहा दो वृत्तों की परिधि क्रमशः, तो देखेंगे यहाँ क्या होता है, 2πr, इसको कैपिटल मान लो, और अंतर कह रहा है स्मॉल वाले 2πr मान लो, जो कि दिया कितना है 352, और इनका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 198, यही तो दिया है आपका। तो यहाँ से देखेंगे 2π कॉमन लेंगे, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर कितना बचेगा अंतर इनके बीच का, घटाएंगे तो कितना बचेगा 154। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा 154, कोई चीज़ गुणा में हो तो कहाँ जाती है, भाग में, 2π का मान कितना, तो 22/7, यहाँ 7 आएगा, यहाँ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे डायरेक्ट, हर में होता तो अंश में चला जाएगा। अब यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे 214 हो जाएगा। अब 11×2=22 होता है, 7×77 होता है, 7×7 कितना हो जाएगा 49, और बटे कितना 2, काट देंगे इसको 2×2=4 हो जाएगा, 2×4=8, 0.8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 10, तो आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 0.1 बचेगा पॉइंट के बाद, तो कितना हो जाएगा आपका 24.5 मिल रहा है, कोई ऑप्शन बोलेंगे सी ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 क्वेश्चन SSC GD के। यदि आपको सभी क्वेश्चन हो गए और जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और भी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उनका हम सलूशन जरूर कराएंगे। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी सलूशन करवा देंगे, ठीक है साथियों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।